चीज़ है, ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए, कश्मीरी पंडित फिर से वहाँ जन्नत में जाने चाहिए। और आज जो कश्मीर में हुआ है वो मुंबई में होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैसेज तो बहुत मैसेज है, बहुत मैसेज है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते ऐसा है। मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा भी दर्द हो रहा है यहाँ पे। वो तो धन्यवाद हो मोदी जी का, उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया। जो जुर्म किया है पंडितों के साथ बहुत गलत किया है। मूवी है तो इमोशनली, बट ऐसा जो दिखाया है उसी के बारे में, और ये मूवी सिर्फ इमोशनल ही, लोग जो इमोशनली अटैच हो वो ना देखें। अच्छा, वही लोग कैच कर छोटे दिल के, जो छोटे दिल के कमजोर दिल के वो ना देखें, उनके लिए नहीं है। एक्चुअली अपना सिस्टम, अपने जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, बहुत बेकार है, इसके वजह से ये सब हालत। लेकिन एक्चुअली बहुत बेकार। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्या कहना चाहेंगे उस मैसेज के बारे में? मैसेज तो बहुत मैसेज है, बहुत मैसेज है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते ऐसा है। पॉलिटिशियन इतनी गंदी है कि आदमी बोल नहीं सकता है। जितना भी हो रहा है सब पॉलिटिशियन के सारे इसलिए हो रहा है। जब तक इस देश में पॉलिटिशियन अगर सही नहीं होगा, तब तक देश अच्छा नहीं चल पाएगा। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबसे सबकी जान होती है, ठीक है। अभी ये मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा भी दर्द हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि चाहे पंडित के साथ हुआ हो चाहे मुसलमान के साथ हो, एक इंसान इंसान को समझना चाहिए कि इंसान की जो ये गॉड गिफ्टेड है ना, ये किसी के प्रधानमंत्री या योगी है या मोदी हो, कोई भी हो, किसी के औकात नहीं कि ये एक बार मर जाए ना तो उसको जिंदा कर दे। लेकिन ये नेता साले ये नहीं समझेंगे इंसान की कोई कैसा इंसान होता है। अभी ये कश्मीर का मुद्दा दिखा रहे हैं कि पंडितों को भाई के साथ ऐसा हुआ है। अभी कल फिल्म बनेगी जहाँ गुजरात का दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद में मुस्लिम को के अंदर एक भावना, एक क्रोध पैदा होगा। तो ये साले पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि देश एकदम तबाह हो जाए। तो सबसे पहले तो इन साले गद्दारों के, ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो देश के गद्दार है ना, इनको सबसे पहले मारना चाहिए, इनको भगाना चाहिए देश से, क्योंकि मेन आतंकवादी तो ये हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक इंसान का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये साले जो भी हो, जितने भी हैं ना, चाहे मैं डायरेक्टर हो है ना, चाहे अग्निहोत्री हो, चाहे कोई भी हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी फिल्म बनाए तो इंसानियत के लिए बनाए। अगर ये बना रहा है तो ठीक है, इसका भी एक ठीक है, मेरे हिंदू भाई मारे गए हैं, पंडित मारे गए हैं, मैं हम लोग मुसलमान उसका साथ देंगे, ठीक है, लेकिन वही होना चाहिए जो विलन हो, जो गद्दार हो, जो आतंकवादी हो। ये नहीं कि तुम किसी मासूम को, किसी की बेटी, किसी के भाई के साथ मर्डर करो, किसी बहन की इज्जत लूट लो, ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदी हो, ठीक है। और रही बात, आज ये इस पे बनी है, कल वो गुजरात पे फिल्म बन सकती है, फिर कल ये कोई आतंकवादी फिर पैदा होगा। तो इस सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हिंदू और मुसलमान प्लीज़ जागरूक हो जाओ। कश्मीर में कोई पॉलिटिशियन नहीं गया था, ना कि कोई यहाँ की सरकार उठ के वहाँ गई थी, इनफैक्ट उस वक्त तो यहाँ की सरकार ने उनको मदद देने से भी इनकार कर दिया था। उस वक्त कौन सी पॉलिटिक्स थी? वो तो धन्यवाद हो मोदी जी का जिन्होंने आर्टिकल 370 हटाया। अगर वो भी नहीं होता तो आज तक वो कश्मीरी पंडित जो टेंट में है वो वैसे ही रह जाते। और आज जो कश्मीर में हुआ है वो मुंबई में होने का ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम आए दिन खबरें देखते रहते हैं, न जाने कितने हिंदुओं का नरसंहार होते आ रहा है, तो ये किसके बेस पे होता है? हिंदू देख के मारा जा रहा है ना। आज जो वहाँ पर हो रहा है वो मुंबई होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। फिर कोई नहीं मार रहा है, फिर भी आज मुस्लिम कहेगा कि हम सेफ नहीं है, हमको मुंबई में डर लग रहा है, हमको हिंदुस्तान में डर लगा। इतना ही अगर आपको हिंदुस्तान में रहने से डर लग रहा है तो जहाँ आपको सेफ्टी लगे वहाँ चले जाइए। 67 राज्य दिए हुए हैं मुस्लिमों को, वहाँ पर जाके आप रह सकते हो। हमारे लिए तो एक भारत ही बचा हुआ है। अगर हिंदू यहाँ से भी पलायन करेगा तो कहाँ पर जाएगा आखिर में? आज जो कश्मीरियों के साथ में हुआ है, आज हमारे साथ में होने में भी देर नहीं। कल को अगर हमारे घर में घुस के किसी ने इस तरह से किया तो कौन सी सरकार आएगी हमको यहाँ पर बचाने के लिए? हम हिंदुओं को खुद से होके खुद की मदद करनी पड़ेगी। अगर आज भी हम बटे हुए रहे तो वो दिन दूर नहीं जो आज कश्मीर की औरत बहन बेटियों के साथ में होता है, कल को हमारे साथ भी होगा। कोई पॉलिटिशियन नहीं आएगा, ना कोई पुलिस आपको बचाने आएगी। बोलने के लिए जो कश्मीर में दिखाया गया है वो भी यही सब हुआ। 24 को अकेले ने मारा, 9 लाख कितने लाख को मारा हमको तो नहीं पता है, पर हमारे जो सुना है ना, माँ बाप जो बताते हैं, जो हम थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उसमें से
चाहते थे ना वो लोग भी खड़े होते थे एकजुट होके, आज जो कश्मीर का हाल हुआ ना नहीं होता था। आज हमारे भारत में भी वही होने वाला है, क्योंकि हम जैसे लोग बोलेंगे नजर में आएंगे मरेंगे। जागरूक होने की बहुत जरूरत है। हाँ, तो कोई भी धर्म का हो, खड़े हो जाओ अपने देश के ऊपर। अपने देश पे आया ना तो सब एक हिंदुस्तानी बन के खड़े हो जाओ। सर, ये जो स्टोरी कम से कम 30-35 साल पुरानी स्टोरी जो फाइलों में दफन थी, ये फाइल ओपन हुई है और ये सच्चाई की फाइल ओपन हुई है। और मैं तो बोलता हूँ कि इससे पहले क्यों नहीं किसी बॉलीवुड के डायरेक्टर ने ऐसा स्टेप लिया, या तो कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स का उसके ऊपर दबाव था, या फिर आज फ्रीडम मिला है पॉलिटिक्स इसको बॉलीवुड को कि वो अपनी मर्जी से कुछ बना सकते हैं। तो सच्चाई दिखाने के लिए हम विवेक अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, और इसके अंदर के जितने भी किरदार निभाए हैं फिल्म बाय एक्टिंग, तो सभी का किरदार बहुत अच्छा है। मिथुन दा हो या फिर पुनीत ईश्वर जी हो, अनुपम जी है, और ये जितने भी कैरेक्टर थे पल्लवी जी हैं, सभी कैरेक्टरों ने बहुत अच्छा प्ले दिखाया है और सच्चाई को बहुत अच्छे से दिखाया है। आज कश्मीर के लोग जिस हालत में दूसरे हमारे दिल्ली में और यहाँ पे, उनका देश है लेकिन उनका वतन जो हम वतन है वो है कश्मीर। उनको उनके हम वतन में उनको जगह मिलनी चाहिए, वो भी भारत का हिस्सा जब हम मानते हैं तो वो अपने घर में क्यों नहीं है, ये हमारा है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनको जस्टिस मिले, वो अपने घर वापस जाएँ, और वहीं से हम उनको देखने वहाँ जाएँ, कश्मीर में हम उनसे मिलने जाएँ, ना कि वो बेचारे जहाँ रिफ्यूज़ कैंप में पड़े हैं वहाँ हम नहीं उनको देखना चाहते। हम चाहते जिस तरीके से हम अपने घर में रहते हैं वो भी अपने वतन जाए, अपने घर रहे, और वो अपने परिवार के साथ फिर से उसी जन्नत में जो कश्मीर कभी जन्नत था, वो अपने कश्मीर उस जन्नत में फिर से वो कश्मीर फिर से वो जन्नत कहलाए, फिर से वो आज टेररिस्ट खत्म हो। हम तो ये चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भी ब्रेन वॉशेड है, जो टेररिस्ट की लाइन पकड़ा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, हर को ये आतंकवाद का रास्ता छोड़ के शांति का मार्ग लेके और फिर से जन्नत बनाना चाहिए, और वहाँ के कश्मीरी मुस्लिम्स और पंडित दोनों फिर से अच्छे भाईचारे से रहें, यही हमारी इच्छा है। हम किसी मुस्लिम पक्ष का विरोधी नहीं है और ना ही हम किसी की निंदा करते हैं ये पिक्चर देख के। हम ये कहते हैं कि जिस सच्चाई से कुछ चुनिंदा लोगों ने, जो चुनिंदा लोगों की जो बाहरी ताकतें थी जिन्होंने हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा करके और इतना बड़ा कांड करवाया है, वो फिर से वो स्थापित हो, और हम चाहते हैं कि हमारे फिर से वो भाईचारा आए। क्या लगता है आपको, ये सच्चाई दिखने के बाद या फिर सच्चाई जैसे सिनेमा घरों में आई, क्या ये सच्चाई रिफ्लेक्ट करेगी समाज पे? बिल्कुल करेगी सर। देखिए, सच्चाई बोलते हैं कि 100 झूठ चाहे जितना भी नगाड़ा बजा के आप बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई देखो 30 साल बाद भी अपना जन्म लेती है, और ये सच्चाई ही सच्चाई की ताकत है। आज अग्निहोत्री जी ने इतने बढ़िया तरीके से इस सच्चाई को लोगों के सामने रखा, और लोगों ने भी इसको समझा, और अपने इस देश में सच्चाई रखने का हर एक को अधिकार है, इस सरकार के आगे ये अधिकार है। आज मोदी जी हो, योगी जी हो, या जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हम सभी को कहते हैं कि सैल्यूट है इस देश के उन नेताओं को भी जिन्होंने इस पिक्चर बनाने के लिए अग्निहोत्री जी को सपोर्ट किया, और हमारे लोगों को आज सिनेमा हॉल में जाके ये सच्चाई जिनको नहीं पता थी आज महाराष्ट्र के अंदर भी वो देख रहे हैं। आज ये आतंकवाद कश्मीर तक सीमित नहीं है सर, महाराष्ट्र तक ये आतंकवाद पहुंच गया है। आज हमारे CST स्टेशन के ऊपर एक कसाब जैसे गुंडे ने आके यहाँ पे आतंक पहचाया, हमारे मेहनत कश हमारे जो मुंबई कर थे उनको निर्दोषों को गोलियों से भून दिया। आज उनका क्या दोष था और क्या दोष था वो बैठे हुए पाकिस्तान के कसाब से जो उसने आके यहाँ पे गोली मारी। आज जो भी इस फिल्म को जो गलत बताता है वो गलत है, और ये जो चीज़ है ये आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। कश्मीरी पंडित फिर से वहाँ जन्नत में जाने चाहिए, और वहाँ पे फिर से स्वर्ग होना चाहिए। जैसा कहते थे कि विदेश से भी लोग कहते थे कि भाई हिंदुस्तान का ये श्रीनगर जो कश्मीर है वो जन्नत है, तो भाई ये कश्यप हमारे ऋषि कश्यप की ज़मीन है, और ये हमारे महादेव की भूमि है और हमारी देव भूमि है। इसको फिर से उसी रूप में हम चाहते हैं, और इसको जस्टिस मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि धारा 370 तो हट गया, जो हमारा अधूरा कश्मीर है वो भी हमारे पास वापस आए, और हम पूरे दिल से कहें कि पूरा कश्मीर हमारा है और वहाँ के भाई भी हमारे भाई हैं। सर, आपका क्या कहना रहेगा किस विषय पे?
यही कि क्या ये पिक्चर देखने के बाद या फिल्म देखने के बाद समाज पे इसका रिफ्लेक्शन रहेगा? मेरा मानना ऐसा है कि जो चीज़ इतनी गहराई से जो सच्चाई पब्लिक के सामने आई है, इसको लोग बहुत दिल चाह से देख रहे हैं। मैं दूसरी बार ये फिल्म देख रहा हूँ, मैं कल देखा था, आज वापस भाई साहब के साथ में आया हूँ, और मुझे इतना इसके ऊपर ये लगा कि जो अत्याचार हुआ वो किसी के जाति धर्म भरमाने से हुआ है, भड़काने से हुआ, मगर नाइंसाफ़ी हुई, और नाइंसाफ़ी के ऊपर ऐसी फिल्में बननी चाहिए। और कोई भी आतंकवाद के रूप में हो, समाज के विरोध के रूप में हो, ऐसे लोगों को उनके विरोध में ऐसी फिल्में ज़रूर बननी चाहिए, ताकि समाज को और न्याय मिले और शांति स्थापित हो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।